हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक ब्लॉक्स में। आज मैं ऑन पेसिप का ओमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ऑन पेसिप का जो बैक ऑफिस है उसमें लॉगिन करते ही आपको एक पॉपअप आ चुका होगा और उस पॉपअप को क्लोज करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, जो कि उसमें लिखा रहेगा कि क्रिएट योर ओमेल। तो जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन एंड रजिस्टर का। तो आप जब रजिस्टर के ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो अब आपके सामने अपना नाम, अपना ओमेल आईडी एंड पासवर्ड और अल्टरनेटिव वेरीफाई करने का ऑप्शन भी आ जाएगा दोस्तों। अपना नाम और लास्ट नेम तो ऑटोमेटिक डाला हुआ रहता है दोस्तों, और जो ओमेल है अपना मेल आईडी भी ऑटोमेटिक डाला हुआ दोस्तों, और अपना जो पासवर्ड है वो आपको खुद डालना है और आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है दोस्तों। तो कई लोग इसे सही से फिलअप करने के बाद भी ओमेल क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले मैं बता दूं कि आपका जो पासवर्ड है दोस्तों वो स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके नीचे कुछ लाइन है दोस्तों, उसमें जब ग्रीन कलर दिखाई देगा तब आप समझ जाना कि आपका जो पासवर्ड है दोस्तों वो स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल डालने को कहता है, जो कि आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसमें आपको ओटीपी आएगा। अगर आप पासवर्ड से लॉगिन करना नहीं चाहते हैं तो आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। उसके नीचे अपना कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, तो उसमें आपको अपना कंट्री का नाम दे देना है, और उसके नीचे ही आपको आ जाएगा अपना जो फोन नंबर है दोस्तों वो डालने का ऑप्शन, तो उसमें अपना फोन नंबर भी डाल दीजिएगा दोस्तों। तो उसके नीचे आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर टू ओमेल, उसमें क्लिक करते ही आपका जो ओमेल है वो क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही बहुत लोगों ने दोस्तों ओमेल अपना क्रिएट कर लिया है, लेकिन कई लोग इस सब ऑप्शन में सही से अपना इन्फॉर्मेशन डाल चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये ओमेल क्रिएट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ऑन पेसिप की तरफ से हमको पहले ही बताया जा चुका है कि जब अपना ओमेल क्रिएट करने का टाइम आ जाएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक वहां पर शो होगा दोस्तों। तो पहले ही जो पॉपअप के नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देता है वो ग्रीन कलर के है दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो ऑप्शन ब्लू कलर में है दोस्तों, अगर ये बटन ब्लू रहा तो आपका जो मेल है वो क्रिएट नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अगर ये ग्रीन हो गया तो आपका ओमेल क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। ये ग्रीन कब होगा, वो ऑटोमेटिक आपके ऑन पेसिप के बैक ऑफिस में आ जाएगा दोस्तों। जब भी अपना बैक ऑफिस लॉगिन कीजिएगा दोस्तों, तो जब आप उस प्रोसीड बटन को ग्रीन होते हुए देखिएगा, तब आप समझ जाना कि आप अपना ओमेल क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। एक बार ओमेल सही से क्रिएट करने के बाद आप अपना ओईएस में भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। और एक खुशखबरी आपको देना है कि जब आप ओमेल क्रिएट कर लेते हैं और अपना ओईएस में प्रवेश कर लेते हैं दोस्तों, तब आपको $10 मिल जाता है दोस्तों, अपना वॉलेट में $10 क्रेडिट हो जाता है दोस्तों। वो जो वॉलेट है दोस्तों वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उस डॉलर को आपको जब प्रोडक्ट खरीदना होगा तब आप यूज कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो देखिए दोस्तों, पैसा भी सही आना चालू हो गया है दोस्तों, और हमारा जो ऑनपेसिप का वेबसाइट है उसमें भी काफी विजिटर्स आ गए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ऑनपेसिप का कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।